हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं स्मिता बिजनेस थिंक ग्लोबल इंडिया। आज हम देखेंगे फूल गोभी को किस तरीके से साफ़ किया जा सकता है। आज मैं जो भी टिप्स लेके आई हूँ आपके सामने वो काफ़ी आसान है और आप घर में कभी भी किसी भी टाइम आराम से टिप्स को फॉलो करके अपनी फूल गोभी को आराम से क्लीन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने एक बाउल में पानी ले लिया है, उस पानी में हम अपनी फूल गोभी डाल देंगे और ध्यान रखेंगे इसके डंठल को हम काट लेंगे। आप चाहे तो इसके छोटे छोटे पीस भी कर सकते हैं या टुकड़े कर सकते हैं, ज़्यादा छोटे नहीं, नहीं तो हमारे गोभी ख़राब हो जाएगी, फूल्स ख़राब हो जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस तरीके से हम फूल गोभी टुकड़े कर लेंगे। नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसी अक्खा गोभी भी डाल सकते हैं। इस तरीके से पानी में हम फूल इसको डीप कर देंगे। डीप करने के बाद इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच सॉल्ट डालेंगे और सॉल्ट को अच्छे तरीके से गोभी में डाल देंगे ऊपर से, और आप देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से पानी में मिक्स कर देंगे, जिससे क्या होगा कि कीड़े जो भी अंदर होंगे वो निकल जाएंगे। वैसे देखने में गोभी बिल्कुल क्लीन दिख रही, कहीं भी कीड़े नहीं हैं, कहीं भी कुछ दिखा नहीं, मैंने देखा था अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से क्या ना, हम पानी में इसको आधा घंटा रखेंगे तो ये गोभी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगी और काफ़ी हद तक ये मतलब कीड़े भी निकल जाएंगे, जो इसमें डस्ट होते हैं वो भी निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसको मैं अच्छे से पानी में डुबा के रखूँगी, अच्छे से मतलब इसका सॉल्ट मिक्स हो जाए, तब तक मैं इसको डुबा के रखूँगी 30 मिनट्स तक। तो आप देख सकते हैं हमारी गोभी को 30 मिनट्स हो गए पानी में डालते हुए। इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी के अंदर, अच्छे से हिला लेंगे ताकि जो भी डस्ट रहेगा या कीड़े रहेंगे वो निकल के एक साइड हो जाएंगे या पानी में तैरने लग जाएंगे। तो आपको मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पानी में कितना डस्ट है, कितना मतलब कचरा निकला है और कीड़े, ये नाइफ़ पे देखिए कॉर्नर में मैंने कीड़ा निकाला है और इसमें थोड़ा ब्लर दिख रहा है। आपको मैं ना छन्नी से छान के दिखाती हूँ, उसके बाद आप देखिएगा कितना डस्ट है, कितने कीड़े निकले हुए इस गोभी के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने अपनी फिंगर पर भी रखा हुआ है, ये लाइट ग्रीन कलर का है, देखिए इस तरीके से दिखते हैं। और इसके बाद मैंने जब छन्नी में छाना तो आपको वो भी मैं दिखाती हूँ। ये मैंने छन्नी में छान दिया है, इसको मैं थोड़ा ठोक देती हूँ ताकि आपको दिखे। ये देखिए बिल्कुल देख के मतलब अजीब सा मन हो रहा है। ये देखिए नाइफ़ के हिसाब से मैं खा रही हूँ। ये देखिए छोटे बड़े, छोटे बड़े, इस तरीके से आप जब भी कोई गोभी भी लें दिखने में बहुत क्लीन दिखता है या फिर कभी डस्ट रहता है, तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी गोभी से कीड़े निकल जाते हैं बिल्कुल आराम से। अब हमने साफ़ पानी में 2-3 बार और हमने गोभी को अच्छे से डीप क्लीन कर लिया है, इससे हमारी गोभी पूरी डीप क्लीन हो जाएगी। इसके बाद सेकंड टिप्स मैं आपको ये बताती हूँ, हल्का सा गर्म पानी लीजिए, उसके अंदर विनेगर डालिए और विनेगर डालने के बाद गोभी आराम से डाल दीजिए, उसमें भी कीड़े निकल जाते हैं आराम से। आप ये देख सकते हैं मैंने सेकंड टाइम पानी में वॉश किया गोभी को, बिल्कुल भी कीड़े नहीं निकले हुए हैं, बस इसके रैशे टूटे हुए हैं वही हैं। आप किसी भी ब्रांड का विनेगर ले सकते हैं। थर्ड टिप्स ये है कि आप हल्का से गर्म पानी में हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करके भी अपनी गोभी से कीड़े निकाल सकते हैं और गोभी हमारी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाती है। अगर फ्रेंड्स हमारे पास भी विनेगर ना हो तो आप चाहें तो नॉर्मली गर्म पानी में गोभी डाल के अच्छे से उबाल लें, ज़्यादा नहीं उबालना है। अगर आप पराठे बनाना चाहते हैं या कोई सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो हमारी गोभी ख़राब हो जाती है, तो हल्का लिक्विड वाटर जो होते हैं, बिल्कुल गुनगुना पानी जिसे हम बोलते हैं, आप उसकी मदद से भी गोभी से कीड़े निकाल के आराम से आप उसे क्लीन कर सकते हैं और हमारी गोभी अच्छे से क्लीन हो जाती है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।